हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आप लोग को फिर से स्वागत है मेरा एक नया वीडियो पे। मेरा एक्चुअली बहुत दिन हो गया बंद था, थोड़ा मेडिकल इश्यू के वजह से, तो आज मैंने फिर से स्टार्ट किया है। तो मैं आज मेरा ऑफिस का कॉलेज है, तो उसका बेटे का नेमिंग सेरेमनी है, वहां पे जाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे कि कर्नाटक पे कैसे नेमिंग सेरेमनी करते हैं। हमारा उड़ीसा में तो 21 डेज पे करते हैं, मतलब जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद 21 डेज पे, या तो मोस्टली 21 डेज पे नेमिंग सेरेमनी होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे होता है, चलिए मिलते हैं। मैं रेडी हो गया सुबह सुबह, तो अभी यहाँ से सुब्रमण्यमपुर, यहाँ से कुछ 25-26 किलोमीटर है, तो आज मैं अकेला हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। और वेदर भी अच्छा है, खास धूप दिख रहा है यहाँ पे, और देखते हैं रास्ता में किसी ट्रैफिक वगैरह कुछ मिलता है या नहीं, फिर मिलते हैं आगे। हम लोग अभी यहाँ पे पहुँच गए हैं, तो मेरे साथ हमारा दो कॉलिग्स है, राजा और योगेश। तो हम लोग अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या है। ये जो लोकेशन है आप देख सकते हैं, हम लोग अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या है। और ये अंदर जा रहे हैं हम लोग, योगेश और राजा अंदर चल के देखते हैं। यहाँ पे शायद फास्ट फ्लोर पे हो रहा है, हम लोग चल के जाएंगे। यहाँ की तरफ पवन दिख रहा है वहाँ से, ये राजा का स्माइल, पवन का भी स्माइल, हम लोग आ रहे हैं। हाँ यहाँ पे एक गेम स्टार्ट हो गया है, बहुत सारा गेम था लेकिन मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने हार के आऊँ। तो म्यूजिक बज रहा है और वो एक रोप दिए हैं और डालना है, जब म्यूजिक स्टॉप हो जाएगा और जिसके पास वो रोप रहेगा वो आउट हो जाएगा। देखते हैं कौन जीतता है यहाँ पे, मुझे होप यू आर गाइस अरेंजिंग दिस गेम। और ये भाई हमारा आउट, देखते हैं अभी तीन बचे हैं, आगे कौन जीतता है। यहाँ पे देखेंगे दोनों के बीच में कौन जीतता है। एक्चुअली बहुत सारा मतलब ये था गेम था, लेकिन हम लोग पीछे रहते थे, बैक बचे हैं ना, इसलिए पीछे रहते थे। तो देखते हैं दोनों के बीच रिकॉर्ड कर नहीं पाए, दोनों के बीच में कौन जीतता है, देखते हैं। चॉकलेट वॉस एवरी वन दे आर गिविंग चॉकलेट, विल सी बट वट वी हैव टू डू। आई थॉट कि वी विल ईट दैट चॉकलेट बट नॉट, दे हैव सम प्लान। एक्चुअली ये वाला जो चॉकलेट ना, किसी मतलब बहुत सबको चॉकलेट दिए थे, लेकिन किसी एक चॉकलेट पे जो बच्चे का बेबी का नाम था, तो जिसको मिला होगा ये वाला देख सकते हैं आप, जिसको मिला है उसको प्राइज मिला है, मुझे तो नहीं मिला। और पवन और भाई उनका आई आ रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं अभी, पूरा एंट्री अभी जबरदस्त होगा भाई का, देखते हैं आगे। लाइटिंग वगैरह भी शायद वो ये लाइट लगाए हैं।
कर्नाटक के ऐसे ही वेलकम करते हैं लोगों को, और जो डांडिया ले करके, और बहुत मज़ा आ रहा था मुझे देख के भी। मैं सोच रहा था रिकॉर्डिंग करूँगा या नहीं, तो फाइनली मैंने रिकॉर्डिंग भी किया है, और देखते हैं और आगे क्या क्या होता है। पवन का बेटे को देखो रो रहा है, आज बहुत सारे गेस्ट को देखते हुए रो रहा है। वाला जो बेबी को रखने के लिए मतलब लोटस का बनाया है, वो वहाँ पे नेम है शायद, अभी तक रिवील नहीं किया और अभी एंट्री हो रहा है। तो ये बेबी बॉय का फ्लेक्स अभी तक नेम भी रिवील नहीं किए, हम लोग वेट करें क्या नेम होगा। पवन है, अक्षित है, तो दोनों के बीच पे क्या नेम आएगा, कॉम्बिनेशन कुछ तो बनाया होगा पवन ने, देखते हैं क्या नेम फाइनली आता है। वहाँ लोटस के पीछे है ये सारा, देखिए कितना सारा गिफ्ट है बेबी के लिए, और ये फैमिली का उन फैमिली फोटो कुछ तो ओकेजन वगैरह था, और ये देखो कितना अच्छे से, ये सब भाभी का प्लान है, पवन का नहीं, पवन ने खुद बोला कि ये सब भाभी का प्लान है। ये देखो कितना अच्छे से डेकोरेशन किए, और ये कब पैदा हुए है, कब डेट, फादर नेम, मदर नेम, एंड ये देखियो क्वेश्चन मार्क मिला नहीं है, मतलब हमें अभी तक रिवील नहीं किया, देखते हैं। तो ये देखो कितना अच्छा प्यारा लग रहा है, और देखो यहाँ पे उसके पीछे है नेम, तो देखते हैं हम लोग क्या है। पवन जल्दी ओपन कर, हम लोग वेट कर रहे हैं क्या नेम है, पवन अक्षिता दोनों के भी क्या नेम होगा, कॉम्बिनेशन कुछ तो है। भाई जल्दी ओपन करो, बड़ा अच्छा लग रहा है। अब फिर फाइनली अभी यहाँ पे नेम आएगा, आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन। तो गाइज हम लोग अभी आ गए हैं डाइनिंग पे, अभी लंच करेंगे हम लोग, यहाँ पे देख सकते हैं कर्नाटक स्टाइल पे यहाँ पे, और ये ना एक्चुअली गिफ्ट दिए थे हमें, और ये देख सकते हैं पूरी पाम्पड़, बहुत सारा स्वीट्स भी है, केला है, खीर है, राइस, और ये इसमें क्या है दिखने रहा, दाल है, और एक कुछ तो चटनी। यहाँ पे देखे देख सकते हैं कितना लोग मतलब ऐसे लाइन पे बैठ के खाते हैं, मेरा हमारा उड़ीसा पे भी ऐसे ही खाते हैं। और भाई ये देखो सिनेमाज देख रहे हैं, बहुत वर्ल्ड कप फाइनल है, क्या होगा, सब लोग टेंशन, खाना खा रहे हैं और सब लोग वो दिख रहे हैं, मैच भी देख रहे हैं यहाँ पे। और ये भाई का देखो तो अपना गेम चल रहा है, और ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी खाने के लिए, केला का जो पत्ता है उस पे देते हैं यहाँ पे खाने के लिए, और वहाँ पे देखो बिसलेरी का बोतल है, और हम लोग मैच खाना खाएंगे और लेकिन बैठे हैं मोबाइल लेके, देखते हैं क्या वहाँ पे क्या क्या है खाने में कर्नाटक स्टाइल में जो कर्नाटक। तो गाइज मैं तो फर्स्ट टाइम अभी कर्नाटका का स्टाइल पे देख रहा हूँ, ये देखिए हमें मिला है खाने के लिए, लेकिन यहाँ पे कैसे कि एक एक आइटम देते हैं, मैं तो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा हूँ, मुझे तो एक्चुअली पता नहीं है, एक के बाद आप खाना खाएंगे फिर उसके बाद मिलेगा, ये पूरी मिला है अभी पूरी खाने के बाद, और एक मिलेगा और उसके बाद चावल मिलेगा, फिर रसम मिलेगा, दाल मिलेगा, ऐसा धीरे धीरे मिलता है, लेकिन बहुत सारा आइटम था, चटनी, रसम, बीड़ा, उबट्टू, बेसन पलाया, खीरू, पूरी, सब। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके।